वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर शकील अहमद रामसू, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर अनीशा सफ़ी, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्री निसार मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले, एडीजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, वाइस चांसलर्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, डीन्स ऑफ द फैकल्टीज, फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, युवा टैलेंट के सबसे बड़े सेलिब्रेशन सुंजल 2022 कि मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कश्मीरी में सुंजल का अर्थ अभी बताया गया आपको मंच से भी मेरे पहले, रेनबो माने इंद्रधनुष, और उर्दू में इसे धनक कहते हैं। लेखकों शायरों की जुबान में ये नेचर का सबसे बड़ा हुनर माना जाता है, और इसीलिए साकिब फारूकी साहब ने लिखा है, आग हो दिल में तो आंखों में धनक पैदा हो, आग हो दिल में तो आंखों में धनक पैदा हो, रूह में रोशनी लहजे में चमक पैदा हो। एक शोला मेरी आवाज में लहराता है, खून के लहर ख्यालों में ललक पैदा हो, खून के लहर ख्यालों में ललक पैदा हो। 3000 से ज़्यादा नौजवान स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी की अलग अलग विधाओं में आने वाले दिनों में अपना हुनर दिखाएंगे, और सुंजल के प्लेटफॉर्म से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास भी करेंगे, और आगे नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल और बाद में फरवरी 2023 में होने वाले नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज आप सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे युग में आप विद्यार्थी हैं जब भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी पीढ़ी को, अभी जिसका जिक्र हुआ है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सोच समझ करके देश के अनेक विद्वानों ने उसमें अपना योगदान दिया है, और आपको ये सौगात के रूप में मिली है। एकेडमिक्स में ग्रीक फिलॉसफर अरस्तु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत से लोग उन्हें ज़्यादा मानते हैं। एक उनका स्टेटमेंट है जहाँ वो कहते हैं कि आइदर दिस और दैट, चूज। मैं थोड़ा वहाँ असहमत होता हूँ, ये तो क्लास में मैथ की पढ़ाई वाली बात हो गई, या तो ब्लैक नहीं तो वाइट। आइदर दिस और दैट का मतलब है इंसान के मन से प्रिज्म हटा दिया गया है, जिससे गुजर कर वह जीवन के एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम द्वारा रेनबो बनने की संभावना रखता है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म को पार करती है, वो 7 रंगों में टूट जाती है और सुंजल यानी रेनबो पैदा होता है।
इसी तरह आप देखें तो आसमान में हमें जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है वो इसलिए है कि हवा में अटकी हुई पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। सूरज की रोशनी जैसे ही पानी की बूंदों से गुजरती है वह सात रंगों में टूट जाती है। साइंस के अनुसार बिना प्रिज्म के सूरज की रोशनी रंगहीन है। उस रोशनी को रेनबो बनने के लिए प्रिज्म से